हे गाइस, दिस इज सेबी सा। सो आज के वीडियो में आज हम क्रिटिकल सीपीएम पार्ट का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। उसका एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें ऐसा बताया गया है कि एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर हमें उसका एक्टिविटी यानी मतलब प्रोजेक्ट दे रखा है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ए टू जी तक। ओके, और वो किस पर डिपेंड करती है? ए बी एक्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, सी डी ए पे डिपेंड करती है सर। तो उस तरीके से मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर रखा है, तो हमें सॉल्व करना है कि कौन सा क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम अवॉइड या डिले नहीं कर सकते। कोई भी दूसरी एक्टिविटी होगी जो क्रिटिकल नहीं होगी तो थोड़ा लेट हो सकता है तो चलेगा, बट क्रिटिकल पाथ पे जो है वो नहीं होनी चाहिए। और चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक्टिविटी ऑन एरो टाइप पे है नाउ। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनेगा वो नेटवर्क डायग्राम बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए और बी किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये तो हम ये ऐसे दो कलर के इसे नोड्स बोलते हैं। सेकेंड थ्री, ये ए हुई ये बी हुई। ए और बी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे कोई और एक्टिविटी है ही नहीं। नाउ देखते हैं हम आगे, सी और डी। सी और डी हमारा ए पे डिपेंड करता है, तो ये मैं डी ले लेता हूँ। ओके, सी को हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। ई ई किस पे डिपेंड करता है? बी पे। ये हमने ई ज्वाइन कर दिया। रीज़न ये है कि मुझे ये मैं इस वे में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। स्टार्टिंग में आप करेंगे तो एक रफ पेपर में करना ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो। ओके, एफ डी और ई पे डिपेंड करता है ये नोड। ये क्या बताता है? नोड्स, कौन से नोड्स पे डिपेंड करता है। डी और ई एक्टिविटी मैंने यहाँ पे इसी वजह से ज्वाइन किया, सी ने लिखा। ओके, ये हमारा एफ हो गया फाइव। ओके, अभी मैं कंप्लीट करने के लिए सी को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, इतना हमारा हो गया। जी किस पे डिपेंड करता है? सी और डी। सी और डी हमारे एफ पे मिले तो ये भी एफ से निकल जाएगा। ओके, हमारा नेटवर्क डायग्राम यहाँ क्लोज हो रहा है, मतलब ये हमारा कंप्लीट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ड्यूरेशन दे देंगे। ए को दो है, मैं यहाँ कलर पेन यूज़ कर रहा ताकि आपको पता चले। बी को भी टू है, सी को ड्यूरेशन सेवन, डी को ट्वेल्व, ई को टेन, एफ को थ्री और जी को फोर। तो अभी हम क्रिटिकल एक्टिविटी निकालेंगे। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ होंगी उसे हम क्रिटिकल एक्टिविटी बोलेंगे, तो उसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पॉसिबल पाथ्स देख लेते हैं। तो वन टू फोर फाइव सिक्स, वन टू फोर फाइव सिक्स। ओके, वन थ्री फोर फाइव सिक्स, वन थ्री फोर फाइव सिक्स। अभी एक और भी हो रहा है, वन टू फाइव सिक्स। अभी हम क्या करेंगे, इस पे ये एक्टिविटी है, ये दो, ये पाथ पे कौन सी एक्टिविटी है, तो उसका ड्यूरेशन हम प्लस करेंगे। वन टू फोर फाइव सिक्स का ड्यूरेशन निकालते हैं हम। तो वन टू फोर फाइव सिक्स, टू प्लस ट्वेल्व प्लस थ्री प्लस फोर, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो वो कुछ अराउंड हमारा 21 डेज जैसा आएगा, ये डेज में है। ओके, कुछ भी यूनिट हो सकता है। फिर वन थ्री फोर फाइव सिक्स, टू प्लस टेन प्लस थ्री प्लस फोर, 19 आ रहा है। और वन टू फाइव सिक्स, टू प्लस सेवन प्लस फोर
13 डेज। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिट हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ। अभी इस पर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, तो अभी पहले इसको मैं नोट कर देता हूँ। 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, ये हमारा क्रिटिकल पाथ हुआ। इस पर जो जो एक्टिविटी है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कौन सी हैं, ए डी एफ और जी। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, ये तो वो छोटा सा था, इससे बड़ा भी आता है, वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर।